मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम शामिल ना होने को लेकर भाजपा आज राज्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह शिकायत देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। निकाय के चुनाव में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। आज नगर राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर शिकायत दर्ज कराने जा रही है। में भी सबसे ज़्यादा शिकायतें इस बात की आई कि व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहाँ उनका नाम नहीं था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने पांच कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हज़ारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। यह भी शिकायत आ रही है कि एक वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में जोड़े गए हैं। यह भी शिकायत आ रही है कि एक ही परिवार के नाम दो दो तीन तीन बूथों पर अलग अलग जगह उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार की भारी अनियमितता मतदाता सूचियों में वर्तमान में देखने में आई है। आज हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और इस प्रकार की जो भी शिकायतें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऊपर तक पहुँचाई गई हैं, इसको हम एक ज्ञापन के तौर पर, एक मांग पत्र के तौर पर आज हम चुनाव आयुक्त को देंगे कि ताकि मतदाता सूचियों में संशोधन हो और नाम जो है सही तरीके से मतदाता सूची में आए।